ट्विंकल को देख, ऐसे कपड़े पहनने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से बिना झिझक के पहन सकती है। और माही पुत्र, तुझे भी वही कपड़े पहनने चाहिए जिसमें तुझे आराम हो, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। नहीं बेबे, माही तो कितनी प्यारी लग रही है, माही तो बहुत अच्छी लग रही है, बस कॉन्शियस मत हो, जो भी पहने ना कॉन्फिडेंटली कैरी किया कर। थैंक्स फॉर योर सजेशन दी, पर मैं खुद मैनेज कर लूंगी। कॉन्फिडेंस तो आज तेरा डगमगाएगा ट्विंकल, तू बस देखती जा आज तेरे साथ क्या होने वाला है। चले जा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। बस इसी गाने की कमी थी। भीगी भीगी सड़कों पे मैं। ये रेडियो वालों को हो क्या गया है, सबके सब रोमांटिक गाने प्ले कर रहे हैं। अरे कोई पार्टी सॉन्ग चला दो भाई, ऐसे लग रहा है सब प्यार में डूबे हुए हैं। जाने मन कहाँ जा रही है, हमें भी लेके चल साथ में। टकाटक है माल। फिटम फिट। तुम जैसे लोगों की वजह से ना लड़कियां घर से अकेले निकलने में घबराती, कान के नीचे नहीं पड़ेंगे खींच के, तुम लोगों को अक्ल नहीं है। सर 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 आप छोड़ दीजिए, मैंने देख लेता हूँ। चलो रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स, मेरा बस चले ना गोली मार दो इन लोगों को। से घटिया लोगों को ना बस एक मौका चाहिए होता है ट्विंकल, इसीलिए मना कर रहा था पार्टिसिपेट मत कर मत कर, पर तूने तो कसम खाई है ना, तूने तो मेरी सुननी नहीं है। अपनी मनमानी कुंज, आई एम सॉरी, आई नो तुम मेरे इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के डिसीजन से हर्ट हो, चाहकर भी मैं तुम्हें वजह नहीं बता सकती, लेकिन प्लीज मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखो, क्यों बात बात पे लड़ाई झगड़ा मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? Okay.
पूर्वी अचानक कहाँ गायब हो गई? बहुत सा चीप टाइप लॉज लग रहा है। जो भी हो, अपने परिवार की इज्जत की खातिर अगर मुझे इस टाइप की जगह पे भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर पूर्वी यहाँ कर क्या रही है। कितनी शेडी जगह है ये, और ये पूर्वी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बाबा जी प्लीज हेल्प ना। पूर्वी अपने बैग के बिना कहाँ जा रही है? इसका मतलब है कि वो अपना बैग रूम में छोड़कर जा रही है। पूर्वी का बैग चेक करने का ये बिल्कुल सही मौका। हो सकता है कि उसके बैग में उसका फोन हो और उसमें वो वीडियो जिसको लेकर वो पापा जी को ब्लैकमेल कर रही है। मुझे नहीं पता था वो लॉज ऐसी जगह है, वरना मैं वहाँ कभी नहीं जाती। कुछ वहाँ तो मैं इसलिए गई थी क्योंकि क्या ट्विंकल, क्यों गई थी वहाँ पे? तुझे समझ में भी आता है तू क्या करती है और क्या नहीं? तू जानती है वो जगह क्या थी, वहाँ क्या होता है, तेरे साथ क्या होता अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता? हर चीज को लाइटली लेना बंद कर। चुप क्यों है? तुझसे बात कर रहा हूं, तू अब भी चुप है? इतना सब हो जाने के बावजूद भी तू कुछ नहीं बोल रही? क्यों गई थी वहां, बोल। फाइन, मत बता। यू नो व्हाट ट्विंकल, आई एम डन विद यू। तंग आ गया हूं तेरे सीक्रेट से, तेरी जिद से, अब बस। माना हम दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता था थोड़ी सी दोस्ती है, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, बातें शेयर करते हैं, तू वो भी नहीं करती यार, तो फिर क्या क्या करें? आज के बाद मैं तेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। तूने जो करना है कर, आज से तू अलग अपने रास्ते और मैं अलग अपने रास्ते। We are done, Twinkle. We are over. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।